एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो कई माँ उनको लेकर टेंशन में आ जाती हैं कि बच्चे के शरीर पर इतने सारे बाल, ऐसा क्यों, क्यों इतने सारे बाल है और अच्छे नहीं लगते हम माओं को। ये हमारी एक क्वालिटी होती है, हमें अगर बच्चे की स्किन पर कुछ भी ऐसा दिखता है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार, होती है ना, फ्यूचर को लेके होती है, शायद ये बाल हटे नहीं हटे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप इन अनचाहे बालों को बच्चे के शरीर से हटा सकते हैं, जो कि घरेलू है, नेचुरली है, बच्चे को किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात और बता दूं फ्रेंड्स आपको कि ये जो शरीर पर बच्चे के पैदा होने के बाद जो बाल आते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कुछ सिचुएशन में ये जेनेटिक भी होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में या आपके हस्बैंड को ज्यादा हेयर ग्रोथ है तो ऐसा होता है कि बच्चे को भी ज्यादा हेयर ग्रोथ आ सकती है। इस टाइम क्या होता है, बेबी के बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये आसानी से निकल जाते हैं। इस वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो उपयोग है फ्रेंड्स वो है गेहूं के आटे का। गेहूं के आटे को आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आटा ले लेना है एक कटोरी में, उसमें आपको हल्दी मिला लेनी है थोड़ी सी, और अब गर्मियों का टाइम है तो आप जैसे कि उसमें हल्का सा जैतून का तेल भी मिला सकते हैं, मतलब ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हैं, या फिर आप उसमें कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं, या जैसे बहुत से लोग पुराने टाइम से सरसों का तेल भी उसमें मिलाते हैं। तो आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है, सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, कोई सा भी तेल है, आप उसमें कोई सा भी तेल मिला सकते हैं। उसको नरम आपको गूंद कर आटे की लोई की तरह बना लेना है और जहां पर बच्चे की हेयर ग्रोथ है ज्यादा वहां पर आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। कुछ टाइम तक ऐसा आपको करना है, 10 मिनट तक, जहां जहां बच्चे के बाल हैं तो हल्के हल्के हाथों से उस एरिया पर आपको घुमाना है। तो क्या होता है, बच्चे के जो सॉफ्ट बाल हैं वो उस आटे की लोई पर चिपक जाते हैं और निकल आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और आने वाले टाइम में भी जब बच्चा बड़ा होता है तो भी बच्चे की हेयर ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है। आप जानना चाहते होंगे कि इसको कितने दिन तक करना है। इसको आप डेली कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। जब भी बच्चे को आप नहला रही हैं, जिस दिन भी नहलाने के तुरंत पहले ही आप ये चीजें कर सकते हैं, उसके बाद फिर बच्चे को आप नहला सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बाल आसानी से साफ होने बच्चे के शरीर से शुरू हो जाते हैं। ये आप बच्चे के चेहरे पर भी कर सकते हैं और पूरी बॉडी पर भी कर सकते हैं। जब आपकी प्लानिंग है कि आज बेबी को नहाना है उस दिन ही आपको ये टिप्स ट्राई करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, और जब भी बच्चे को नहला रही है, बच्चा छोटा है और बच्चे को मौसम देखकर ही नहलाना चाहिए, इसी में आपकी समझदारी होती है, नहीं तो बच्चे को फिर दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, निमोनिया होने का खतरा होता है। इसीलिए आपको बच्चे को मौसम देखकर ही नहलाना चाहिए और ये टिप्स ट्राई करने चाहिए। अब मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपके घर में ये जेनेटिक नहीं है, मतलब कि आपके हस्बैंड को ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, आपको भी नहीं है, और बच्चे की बॉडी पर अगर हेयर ग्रोथ ज्यादा है, फेस पर है, तो इसमें आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, जब मालिश करेंगे ना तो कंटिन्यू मालिश करते करते बच्चे के जो शरीर पर बाल होते हैं वो ऑटोमेटिक ही झड़ जाते हैं। देखकर ही सब कुछ आप ये टिप्स अपनाएं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इन चीजों में, आपके पास समय नहीं है, फालतू की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वेट करें, बच्चे की डेली मालिश करें और ये बाल अपने आप ही झड़ जाएंगे। 4 से 5 महीने बाद ही ये बाल बिल्कुल कम हो जाएंगे बच्चे की बॉडी से। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।